आपका नाम क्या है? मेरा नाम जावेद अली है। कौन सी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। शहनुमा चौधरी हैं, बताती हैं अपना नाम। मैं जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहा था, उसी दौरान एक प्रोग्राम के जरिए उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा तुम कहाँ कार्यकर्ता बने फिर रहे हो, मैं तो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा की, मैं तो आपको बहुत ऊँचाई पर पहुँचा दूँगी। तो हमने सोचा देखते हैं चलो करिए ऊँचाई भी पहुँचा देंगे, हम तो मालूम नहीं था। तो उन्होंने हमें हमारे वो घर पे आई, हमसे प्रोग्राम कराया, काफ़ी सारा हमसे खर्च कराया, टेंट वगैरह भीड़ हमसे इकट्ठी करवाई, और फिर हमसे 20,000 रुपये लेकर के एक हमें प्रदेश मंत्री का पद दिया उन्होंने। अच्छा, ये पद दिया था उन्होंने? हाँ, इस लेटर पे इन्होंने लिख करके दिया था कि आप प्रदेश मंत्री बन गए हैं और आपका इतना बड़ा पद हो गया है कि थाने के इंस्पेक्टर दरोगा सब आपको सलामी देंगे, आपको सैल्यूट मारेंगे। हमें पता नहीं था, हम ऐसी खामोश होकर के अपने घर बैठ गए। ये हमसे प्रोग्राम कराती रही कि आप मकानों की फार्म भरवाओ, 5,000 रुपये मकान वालों से लो, और वो 5,000 रुपये वो मुझे आप जमा करें और उनके 360,000 रुपये मैं उनके अकाउंट में डलवा दूँगी। ये शहनुमा ने कहा जो इस संगठन को चलाने वाली हैं। फिर मैंने सोचा, मैंने एक हमारे मंडल अध्यक्ष मैन बॉडी के भाजपा के, मैंने उनसे मालूम करा और हमारे और भी पदाधिकारी थे उनसे भी मालूम किया, तो उन्होंने बताया कि आप किसी के बहकावे में नहीं आए, केवल जो सरकार स्कीम चला रही है वो DM साहब के ज़रिए चला रही है और प्रधान लोगों को सारी सूचना मिल रही है, वो कार्य कर रहे हैं, आप इस बहकावे में ना आए और किसी से रकम के नाम पर वसूले पैसे ना जाए, शहनुमा के बहकावे में मत आना। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या लेटर है आपके पास, दिखाइए। मैंने जो अपने कुछ पढ़े लिखे लोगों को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इस पर तो कोई रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है, कहीं पर भी इस पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, इसमें हमारे मोदी जी योगी जी के फ़ोटो लगा रखे हैं उन्होंने, और नारी का मामला है, और जेंट्स, जब नारी की शक्ति है तो पहली बात तो ये बताइए कि जेंट्स का क्या काम है इसमें, दूसरा कि रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं पर नहीं दिख रहा, आप देख सकते हैं इसे, आप थोड़ा करीब से दिखाइए इसे। इसके बाद में जब मैंने उनसे साफ साफ इनकार किया कि मैं इस संगठन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता और ना ही मैं किसी के मकानों के पैसे मांगूंगा, क्योंकि जिनके मकानों के पैसे कोई लेगा तो वो तो मेरे पास आते, वो लोकल के लोग होते कि भाई आप पैसे खा गए। तो इन्होंने बहुत कई बार कोशिश करी, मेरे घर पे आई, मैंने इन्हें लताड़ दिया कि मेरा आपके संगठन से कोई लेना देना नहीं है, मैं केवल भाजपा कार्यकर्ता था और रहूँगा। अच्छा, जिससे ये भाजपा कार्यकर्ता है या वैसी कर रखा है कोई फर्जीवाड़ा? इन्होंने ये कहती है कि मेरा खुद का संगठन है और अखिल भारतीय नारी शक्ति की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और ये जितने भी काम कर रहे हैं, चाहे वो मैन बॉडी का है चाहे वो अल्पसंख्यक का है, वो सब मेरे नीचे काम करते हैं, ये बातें बोलती हैं। किसी ने कहा है? ये शहनुमा ने कहा है, जो इसकी संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष बताती है अपने आप को। ये रहने वाली ग्राम जिसोरी की हैं। मेरा सभी क्षेत्रवासियों से ये मैसेज है, ख़ास तौर से कोई भी हमारे भाई इस शहनुमा के बहका में ना करके एक लेटर ना ले, क्योंकि ये साथ धोखा मेरे साथ भी हुआ है और मैंने सुना है कि किठोर मैं और लोगों को भी इन्होंने ऐसी लेटर दिए हैं और पैसे वसूले हैं। ये फर्जीवाड़ा चल रहा है तो कोई इनके बहकावे में ना आए, कोई इनके मकानों के फार्म इनसे ना भरवाए, अगर मकान के फार्म या कोई भी स्कीम भरवानी है तो वो और पदाधिकारी बैठे हैं जो काम करते हैं अधिकारी लोग, आप उनसे संपर्क करें या गाँव के प्रधान से संपर्क करें, किठोर के चेयरमैन से संपर्क करें, तो वो सरकारी आदमी होते हैं, वो सही बात बताएंगे, सही रास्ता बताएंगे।